हेलो गाइस, कैसे हो? मच का नई वीडियो लेके तो गाइस जा रहा हूँ मैं आज मिलिट्री बेस में। और गाइस यहाँ पे बंदे तुमने देख लूंगा आसमान में आ रहे हैं, ठीक ठाक बंदे। तो यहाँ पे गाइस लैंड नहीं कर लेते फटाफट। और भाई इस वाले मैच में एक बहुत ही तगड़ा ब्रिज कैंप करने की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन भाई ब्रिज कैंप करने से पहले ही मैं बंदों को उड़ा देता हूँ, तो देखना काफी ज्यादा मजा आएगा। और यहाँ पे गाइस सामने किसी को भाई अभी भी मारा गया, उसका धुआं देखा मेरे को भी, उसकी पेटी बनी है किसी ने बनाई है यहाँ पे। तो गाइस मैं जाता हूँ उधर की तरफ ही, भाई वहाँ पे फायरिंग की साउंड आई थी, सी बिल्डिंग तो कोई आता नहीं है। अब यहाँ पे गए इस वाले बंदे को मैं नोक कर देता हूँ फटाफट। और प्लानिंग थी भाई इसके और बंदों को देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई बहुत देर से यार वहाँ पे फायरिंग चल रही है, तो और भी बंदे हो सकते हैं। अब फिर से देखो फायरिंग चलने लगी। अब यहाँ पे इस वाले बंदे को मैं डैमेज तो देता हूँ, लेकिन भाई वो दीवार बना चुका था फिर, तो इस वाले बंदे को भी इग्नोर मारता हूँ मैं। और भाई इधर की तरफ से जहाँ से फायरिंग आ रही थी वहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे जहाँ तक भी दो स्क्वाड हैं। और अब सामने से मेरे को फुटस्टेप्स आते हैं, एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ। और भाई दूसरा वाला भागता है यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे नॉक कर देते हैं। अब पता नहीं भाई ये निहत्ते बंदे थे या पता नहीं क्या सीन था। और इस वाले बंदे से बचने के लिए मैं इसके पीछे आता हूँ दीवार के, और सोचता हूँ यहाँ पे फर्स्ट एड मार लूँ, लेकिन बंदा इधर की तरफ से आने का प्लान था उसका, तो यहाँ पे एक दीवार बनाता हूँ मैं, हीलिंग मारता हूँ फटाफट। उसका बंदा मैंने नोक कर रखा है, तो वो जहाँ तक भी रिवाइव करने के लिए आ रहा होगा, तो रश मारना पड़ेगा मेरे को फटाफट जाके, लेकिन उससे पहले हीलिंग कर लेता हूँ। भाई बोट मेरे को निपटाने के मूड में था, अगर एक गोली पहले चिपक जाती ना जब हेल्थ ना थी, गया था भाई कसम से। अब यहाँ पे यार बंदे ने पूरी दीवार विवार बना रखी है अपने बंदे को बचाने के लिए, और जहाँ तक भी रिवाइव कर रहा होगा। और भाई अब यहाँ पे गाइस मैं जानबूझ के गाड़ी के ऊपर से जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरी तरफ से जाता ना, देखो भाई बंदे का पूरा ध्यान था दूसरी तरफ, वो ये सोच के बैठा था कि मैं दूसरी तरफ से आऊंगा, लेकिन मैं आता हूँ कहीं और से, तो भाई बंदे का पूरा प्लान बिगड़ जाता है। यहाँ पे गाइस वाली स्क्वाड को मैं खत्म कर देता हूँ, अब गाइस चलेंगे फिर पुलिस स्टेशन की तरफ, क्योंकि भाई वहाँ पे भी एक स्क्वाड उतरी थी शायद से। तो यहाँ पे गाइस जब हम जा रहे थे उधर की तरफ, और भाई एक बंदा दिखता है मेरे को सी बिल्डिंग के ऊपर, तो भाई चलते हैं रश मारने। तो यहाँ पे गाइस मैं हल्की सी फायरिंग कर देता हूँ, जिससे कि यार बंदों को पता चल जाए, और भाई वो भागे ना यहाँ से कम पता चले सामने कोई गाड़ी वाड़ी, और भाई लेके भाग जाए इतने जाए उनकी तरफ, तो अब शायद से वो नहीं जाने वाले। और यहाँ पे देखना भाई एक बंदा गलत ही ट्रिक लगाने वाला है, मैं अब देखना। यहाँ पे गाइस आपने देखा वो एक बंदा भाई प्री नेड कर रहा था, मतलब भाई कैसे उसे मतलब कैसे पता चला भाई हम सीडियो से आने वाले हैं, और मतलब अभी आने वाले हैं भाई, बंदा नेड कुक कर रहा था पता नहीं कब से, तो भाई खतरनाक जुगाड़ लगा रखा था भाई बंदों ने मेरे को, तो नहीं पता। तो यहाँ पे गाइस मेरे को M4 वगैरह मिल जाती है, यहाँ पे गाइस लूट कर लेते और भाई निकलते फिर यहाँ से। और अब गाइस आगे जाके तुम्हें देखने को मिलेगा वो ब्रिज कैंप जिसके बारे में बात कर रहा था, मतलब बंदे देखना बस क्या क्या जुगाड़ लगाने वाले हैं। खैर वो अलग बात है कि उनके प्लान बनाने से पहले हम जाके सारा प्लान पानी में मिला देते हैं। अब यहाँ पे गाइस ब्रिज के ऊपर मेरे को हरकत सी दिखी, तो यहाँ पे गाइस गाड़ी घुमाते और भाई जाते एक बार चेक करने के भाई क्या सीन चल रहा है वहां पे। अब यहां पे फायरिंग की भी साउंड आती है, अब यहां पे गाइस मैं इस वाले बंदे को तो नोक कर देता हूं, और एक बंदा था फिर यहां से जो कि तो यहाँ पे गाइस मैं इन वाले बंदों को निपटाता हूँ, लेकिन यहाँ पे दीवार वगैरह बनी हुई है, उस हिसाब से मेरे को लग रहा था कि भाई सामने एक और स्क्वाड होगी, और भाई ये वाले बंदे यहाँ से मतलब फाइट वाइट ले रहे होंगे उनसे दीवार वगैरह बना के, वो वाले उधर से दीवार बना रहे होंगे, लेकिन अभी देखना ये बंदे क्या ही कर रहे थे, मतलब नहीं है वहाँ पे कोई भी स्क्वाड। फिलहाल मैं भी यही सोचा था कि वहाँ पे एक स्क्वाड होगी, लेकिन हम पूरा राउंड मारते हैं मिल्टा तक चेक करके आते हैं, कोई नहीं मिलता। यहाँ पे एक को गाइस मैं नॉक कर देता हूँ, और भाई दूसरों को भी डैमेज दिया मैंने। बंदे यहाँ पे आके रुक जाते तो भाई हमें भी रुकना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे बंदा गोल गोल घूमे जा रहा है, इतनी देर हो गई, और एक फायरिंग करता है यहाँ से। अब इसको तो गाइस मैं नोक कर देता हूँ यहाँ पे, और वो जो वॉच टावर वाला बंदा था उसको भी देखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे गाइस मैं थोड़ी हीलिंग वगैरह कर लूंगा, और फिर गाड़ी उठा के दोबारा चलते हैं इस वाले बंदे पे। अब यहाँ पे गाइस फाइनली इस वाले बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ भाई, कम से कम अब की बार तो ये गोल गोल ना घूमा, मतलब वैसे घूम भी सकता था ये अगर ये पत्थर से ना होते। तो यहाँ पे गाइस अब इस वाले स्क्वाड को भी खत्म कर देते हैं, अब गाइस लूटते हैं अगेन और भाई निकलते हैं फिर यहाँ से, क्योंकि भाई जोन भी आ चुकी थी, और अब प्लान था हमारा दूसरे वाले ब्रिज पर जाने का।
अब यहाँ पे गाइस हम इधर की तरफ आते हैं। मैं यहाँ पे चेक कर रहा था भाई कोई कैम वैम तो नहीं कर रहा ब्रिज, तो लपेटना शुरू कर देंगे अगर कोई जैसे झाकेगा। मतलब स्कोप खोल के मैं रेडी था बिल्कुल। और भाई इतने में बंदों की फाइट तो यहाँ पे चल रही थी। तो यहाँ पे गाइस अभी हम उन वाले बंदों पे नहीं जा रहे क्योंकि भाई मेरे को नहीं पता बंदे कहाँ कहाँ फैले पड़े हैं, कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे हमारा प्लान था कि एक बंदे को दूर से नोक करके फिर जाकर रश मारा जाए। अब वो चीज इस वाले बंदे के थ्रू हो सकती थी लेकिन भाई ये तो गायब से ही हो जाता, पता नहीं रिज के पीछे कहाँ गायब हो गया अचानक से लेट के। वैसे उसको मैंने डैमेज दिया था। और यहाँ पे होती है भाई तबाही वाली फायरिंग मेरे ऊपर, मेरी हेल्थ देखो कितनी कम हो गई। लेकिन यहाँ पे गाइस फर्स्ट एड मार लूंगा मैं, नोक नहीं होता, ये अच्छी बात थी। और यहाँ पे देखना भाई एक बंदा क्या ही नशे फूक के आएगा अभी देखना, मतलब थोड़ी देर बाद। यहाँ पे आते एक बगे की साउंड, ठीक है दो गोली चिपका देता हूँ मैं। सामने वाले बंदे मेरा गेट फोड़ देते हैं जिससे कि यहाँ पे कवर वगैरह ना ले पाऊँ मैं। और यहाँ पे मैं मारता हूँ इस बग्गी वाले पे रश, और देखना भाई क्या ही सीन था। और भाई इस वाले बंदे को यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता था कि भाई हम भी हैं पीछे, बेचारा बैठ के अपना मजे में टीपी भी लेने लगा था सामने वाले बंदों पे। गाइस एक मिनट का साइलेंस इसके लिए। अब ये बंदा बहुत देर से झांक रहा था भाई, इसका गर्दन में दर्द हो गया होगा, तो इसको मुक्ति देते हैं हम और अब जाकर रश मारते हैं। भाई इसी चीज का मेरे को इंतजार था कि एक बंदे को नोक करके रश मारे। एक और को यहाँ पे नोक कर देते हैं और अब तो भाई देखना बस। एक के मेरे को पीछे से फुटस्टेप्स आए थे और अब तो खैर फायरिंग भी कर देता है। और एक बड़ा था भाई यहाँ पे इन दीवारों के पीछे। ना भैया एम वेम लगाना बाद की बात है, पहले हम लेटेंगे। और यहाँ पे गाइस कोई कार 98 से भी थर्ड पार्टी के मूड में था। तो यहाँ पे गाइस पहले तो मैं अपनी गाड़ी के आगे दीवार से लगाता हूँ क्योंकि भाई टायर फोड़ने का बहुत क्रेज चल रहा है आजकल। अब यहाँ पे गाइस जहाँ तक भी है किसी दूसरे स्क्वाड का बंदा है क्योंकि भाई वो वाले बंदे वहाँ पे डायरेक्ट नहीं जाते, ये भी नहीं जाता, मतलब वो तीन बंदे वैसे थे। तो यहाँ पे ये दूसरे स्क्वाड का बंदा जहाँ तक भी है। और भाई कोई हमारी गाड़ी में मतलब चिपकाता है भाई गोली, जैसे मतलब फायरिंग की साउंड तो नहीं आती लेकिन गाड़ी पे लगने की साउंड आती है यहाँ पे। अब यहाँ पे गाइस हम जा रहे थे जोन में, साइड से गाड़ी की साउंड आती है, देख रहे हो भाई वीआईपी को। बंदे कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आराम से गाड़ी चला रहे हैं ना भाई, बूस्ट वूस्ट मार ले थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी कर ले ना, हम तो मजे में जाएंगे चाहे हमारी कोई गाड़ी फोड़ते। तो यहाँ पे गाइस वाले बंदे को निपटाते हैं और भाई इतने में एक गाड़ी दिखती है सामने। और ये वाली गाड़ी भाई बहुत भगाने वाली है, मतलब बहुत ही ज्यादा। अब यार ये वाली गाड़ी जा रही थी उधर की तरफ तो भाई हम सोचते हैं कि इसका पीछा करते हैं, वैसे यार हमारी गाड़ी में इतना तेल नहीं है लेकिन चलो कोई बात नहीं, जितना भी है उतने में काम चला लेंगे हम। और भाई अगेन पीछे से कोई हमारी गाड़ी पे कार 98 चिपकाता है। अब यहाँ पे गाइस देखो वो वाली गाड़ी तो यार कुछ ज्यादा ही दूर चली गई, बूस्ट वूस्ट भी नहीं हमारे पास, तेल ही नहीं है, बूस्ट तो कहाँ से लाएंगे हम। तो मेरा प्लान ये था पहले कि भाई इन वाले बंदों पर रश मारते पहले, और यहाँ पे कार 98 की जगह ना देखना बस कहीं होने वाला है, सरप्राइज मिलेगा हमें। ये देखो भाई कार 98 की साउंड की तरफ आए थे लेकिन पूरा खानदान बैठा था यहाँ पे, तो भाई स्वागत के लिए। अब इन वाले बंदों को गाइस मैंने काफी अब यहाँ पे गाइस इस वाले बंदे को तो मैं उतार देता हूँ, और जो बंदे गाड़ी में बैठे हैं ना उनको भी मैंने बहुत ही खतरनाक डैमेज दे रखा है। और यहाँ पे तेल नहीं है गाड़ी में लेकिन जब तक गाड़ी चलेगी पीछा हम भी नहीं छोड़ने वाले। एक और नोक यहाँ पे,
और फिर इस वाले बंदे को भी खत्म कर देते हैं। अब गाइस देखो, इन वाले बंदे को मैंने काफी डैमेज दिया था, मतलब गाड़ी में। अब ये बहुत ही ज्यादा लो थे, मतलब बहुत ही ज्यादा, एक एक गोली के थे बस। वो तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया था, इस वजह से यार गोलियां कम कनेक्ट हो रही थी। अब बंदे फाइनली यहाँ पे आते हैं कि भाई घर भर में घुस के जल्दी से हीलिंग करेंगे, कैंप मार के निपटाएंगे बंदों को। लेकिन उससे पहले यार बंदों को मैं फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे गाइस हम जा रहे थे इधर से, लेकिन भाई इतने आते हैं फुटस्टेप्स इस वाले घर से, तो भाई मारते हैं रश। अब यार बंदे के फुटस्टेप्स मैप पे आए थे, साउंड मेरे को नहीं आई थी यहाँ पे, तो हम देख रहे थे भाई मतलब कहाँ से आए, क्योंकि मैप का यार एग्जैक्ट पता नहीं चलता। और भाई इतना में यहाँ पे बैठे थे हमारे भैया जी हैकर प्रसाद। भाई इतना खतरनाक हैकर मैंने जिंदगी में नहीं देखा अपनी। तो यहाँ पे गए जब काफी कम बंदे लाइव रह चुके हैं, ये गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे, हम थोड़ा सा राउंड मार रहे थे कि भाई बंदे आसपास होने चाहिए। और भाई इतने में अब दो बंदे तो यहाँ से फायरिंग कर रहे थे, और भाई दो थे यहाँ पे। अब यहाँ पे गाइस मैं इन दोनों बंदों को फिनिश कर देता हूँ। लेकिन भाई इन बंदों की ट्रिक देख रहे थे, मतलब दो बंदे उधर हैं, दो बंदे इधर, इतनी दूर, मतलब बीच में फंसाना चाहते शायद से हमें। तो यहाँ पे गाइस पहले तो मैं इस वाले डब्बे में से लेवल 3 का माल लेता हूँ, और अब प्लान था मेरा कि एक बंदे को नोक करके जब रश मारा जाए लास्ट का जो बंदा उस पे। और भाई देखना अब यहाँ पे बंदा यहाँ पे इच्छाधारी नागिन बन के लेटा हुआ था। तो यहाँ पे गाइस मैं उस वाले बंदे को नोक कर देता हूँ, और प्लान था गाड़ी लेकर सीधा रश मारने का, क्योंकि भाई लास्ट ही बंदा बचा है, मतलब क्या दिक्कत की बात है ना। रश मारते हैं भाई फटाफट। और फाइनली गाइस यहाँ पे हो जाता हमारा चिकन डिनर। तो गाइस अगर मजा आया इस वाली वीडियो में तो भाई देखो जल्दी से लाइक मार दो, और गाइस सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपने नहीं कर रखा अब तक। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वाली वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।